बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड व्यूअर्स, वेलकम टू बैक राना शेफ इंटरनेशनल। कैसे हैं आप? राना शेफ इंटरनेशनल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बनाएंगे एग पुडिंग। एग पुडिंग जो है ये बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। आपने अक्सर देखा शादी के फंक्शनों में ये चलती है एग पुडिंग। तो सिंपल सी है, कोई ज़्यादा रेसिपी नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए, उसके साथ अंडे चाहिए, शुगर चाहिए, वनीला एसेंस। ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पड़ी हैं। ये मिल्क पड़ा है, शुगर का मैंने पाउडर बनाया, उसके बाद दो अंडे हैं और साथ में ये वनीला एसेंस है। ये चीज़ें अंडों को हम इसमें करते हैं बीट। तो टू अंडों को ये अंडा ये टू एग्स हो गए। एग्स में हम डालेंगे थोड़ा सा भी इसमें मिल्क। मिल्क के साथ ये हमारे पास पड़ा है वनीला एसेंस, थोड़ा सा हम ये डालेंगे टेस्ट के लिए। थोड़ा इसमें जाएगा वनीला एसेंस, आपने दो से तीन ड्रॉप्स डाल लेने इसमें। ये सेंस भी डाल गया, ये भी हो गया। अब हमने करना है इसको बीट। ये बीट हो चुका है, इसमें दूसरा दूध भी डाल देंगे ये। फिर उसके बाद ये दूध डाल गया, इसको हमने ऐसे बीड किया, तो बीड ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने डालनी है शुगर। अब ये पैन में हम डालेंगे शुगर। नीचे तो कारी साहब के बच्चों की आवाज़ आने लग गई, आगे खेचो थोड़ा। अब इसमें जाएगी शुगर, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुगर डाली। शुगर को हमने ऐसे इसको तेज़ी से हलाते रहे, ये थोड़ी देर में ये शुगर मेल्ट हो जाएगी। शुगर मेल्ट होने लग गई है, शुगर को होने देते हैं मेल्ट। ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी आसान है, इजी है, बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। शादी के फंक्शनों में और फंक्शनों में आप लोग अक्सर देखा है कि डिनर बुफे पे लगी होती हैं। और आपने देखा, यह देखिए बिल्कुल अब चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है ऐसे। ये चीनी मारी मेल्ट, ये देखें माशाल्लाह, और इसकी खुशबू भी आ रही है ऐसे। इसको हमने इस बॉल के अंदर हमने ये जो पड़ा है, ये जो हमारे पास ये मेल्ट हो गई है शुगर, मेल्टेड शुगर को इसके अंदर हम डालेंगे। ये इसमें हम ऐसे डालते जाएंगे, ये माशाल्लाह इसी तरह इसको डालते जाएं। ये इसमें शुगर मारी जो डल गई है, इसमें
यार इसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ गया है ये, उसको आप उधर ही रखें, ये चीनी जो है ना सारे में चीनी थोड़ी सी और मेल्ट कर दी, बंद कर ले, बंद।